हूँ तारा, मैं हूँ कबीर, लाइफ का फंडा टेक इट इजी, कभी है मस्ती कभी है पोर, लाइफ कभी आउट ऑफ कंट्रोल, टेंशन मेंशन क्यों लेनी, लाइफ का फंडा टेक इट इजी, 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 लाइफ का फंडा टेक इट इजी। टेक इट इजी में खुशामदीन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से नालंदावे और यूनिसेफ लेकर आए हैं आपसे जुड़ी रोज एक नई कहानी, आपके फेवरेट तारा और कबीर की जुबानी। रफीक सर, गुड मॉर्निंग, आप आज की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं ना? गुड मॉर्निंग कुसुम मैम, हाँ मैं भी रहूँगा, मैं तो बहुत पुरजोश हूँ ये सोचकर कि इस मीटिंग में हम सभी टीचर्स बच्चों की जिंदगी में टीचर के किरदार पर मुबाहिसा करेंगे। हाँ सर, पिछले दिनों पैंडेमिक के मुश्किल दौर में बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में जो बदलाव आए उसे देखते हुए टीचर का किरदार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई परिवारों में बच्चे अपने मम्मी पापा को या दूसरे बुजुर्गों को खो चुके हैं, कई परिवारों ने और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, और इन सब के बीच नव उम्र से गुजरते हुए बच्चे अपने जिस्मानी जहनी बदलावों से मुकाबला करने में परिवार या स्कूल से मिलने वाली मदद से भी महरूम रहे हैं। सही कह रही हैं आप। अच्छा, आपसे ये भी जानना था कि वो नवी क्लास की स्टूडेंट जो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, उसके मम्मी पापा से बात हो पाई थी? हाँ, उसके मम्मी पापा एक पेरेंट टीचर मीट में स्कूल आए थे, उनसे बात करके पता चला कि वह स्टूडेंट अपने सांवले रंग के कारण बचपन से ही परिवार के अंदर और बाहर भी अर्क फर्क का शिकार होती रही है। उसके कारण अपने आप में ही वह कमतर महसूस करती रही है और डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रही थी। उन्होंने बताया कि वह बहुत अच्छा नज्म भी गाती है लेकिन लोगों के सामने आने में हिचकिचाती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम लोग धीरे धीरे उसके इस हुनर को सबके साथ शेयर करने के लिए उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, इससे उसकी खुद एतमादी बढ़ेगी। साथ ही हम टीचर्स और उसके परिवार को इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस स्टूडेंट के मसले को खुफिया रखा जाए। किसी के जाति मसले को तशहीर करना सही नहीं, इससे उसकी तकलीफ बढ़ेगी। हाँ, ये ख्याल रखना होगा, हम सब उसका साथ दें। ये काम इस बात की एक मिसाल भी बन सकती है कि बच्चों की जिंदगी में टीचर का किरदार कितना अहम हो सकता है। हो सकता है सभी टीचर्स के पास ऐसे सूरत हाल की मिसाल या तजुर्बा ना हो, या उसमें अपने किरदार को तलाश कर पाना मुमकिन ना हो, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कोई भी टीचर अपने किरदार को एक तकाबुली नजरिए से किसी तमसील या तशबीह के जरिए पेश कर पाए। हाँ जरूर, जैसे कोई टीचर अपने किरदार की मुवाजना किसी किसान के साथ कर सकते हैं जो किसी फसल को उगाने के मकसद से बीज लगाता है। सही कहा, जैसे मैं एक टीचर के किरदार की तकय्युल घने अंधेरे में एक रोशनी के जरिए मानिंद करता हूँ, वैसे हर कोई अपने तरीके से तकय्युल कर सकता है, और इस तरह से टीचर्स अपने किरदार को समझने की कोशिश कर सकते हैं और बच्चों की जिंदगी को मुस्बत तरीके से मुतस्सिर करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। क्यों ना हम आज की मीटिंग में मुबाहिसा के साथ साथ एक एक्टिविटी का भी इंतजाम करें जिसमें सभी लोग टीचर के रूप में अपने किरदार पर एक पेंटिंग बनाएं। वे उस तमसिल या तशबीह को भी दिखा सकते हैं जो उनकी नजर में टीचर के किरदार को दिखाता है। ये अच्छा आइडिया है, तो फिर मीटिंग में मिलते हैं। बाय बाय। हम सब समझते हैं कि बच्चों की जिंदगी में एक टीचर का किरदार कितना जरूरी है। नव उम्र में बच्चों की जिस्मानी जहनी जरूरतों का ख्याल रखते हुए टीचर अपने सीखने सिखाने के काम के साथ साथ ऐसा किरदार निभाए जो बच्चों की जिंदगी को कामयाब बनाने में मदद करे। शिक्षक का किरदार एक गार्डनर, एक किसान या एक रोशनी फैलाते चिराग की तरह हो सकता है। आपके अनुसार बतौर एक टीचर के रूप में आपका किरदार क्या है और किसकी तरह है? टेक इट इजी के इस आखिरी एपिसोड को सुनने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद रखें,
लाइफ का फंडा टेक इट इजी।